आदिल, तुम्हारी फूफो का फोन आया था। वो विरसा का ताया सा भाई है ना फरमान, उसका का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट? क्या, कब, कैसे, कहां, कौन से हॉस्पिटल में है? अल्लाह उसे अपने अमान में रखे। तुम उसके लिए दुआएं मांग रहे हो जिसने तुम्हारे घर में घुस के तुमसे हाथापाई की? भूल गए हो तुम ये? या तुमने भी उसे औरों की तरह माफ कर दिया? मम्मी क्या हो गया है आपको? ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए इस वक्त। चलें। तुम्हारी उनसे कौन सी डायरेक्ट रिश्तेदारी है? और वैसे भी मेरा जाने का कोई मूड नहीं है। फिर चले जाएंगे किसी दिन। अम्मी ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनियां भूलकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और वैसे भी उस खानदान से हमारी कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी? जो वजह थी दुश्मनी की, वो भी अब वहां नहीं है, तो सारी बात खत्म हो गई ना। अब वो वकार की बीवी है तो हमारी लड़ाई का कोई जवाब बनता ही नहीं। कह तो तुम सही रहे हो, बेहतर है इस हकीकत को तुम भी कबूल कर लो। वैसे भी अब उसके बारे में सोचना तुम पे बनता भी नहीं है, वो किसी और की बीवी है। भाभी, क्या आप रात भर वेट करेंगी? रात बहुत हो गई है, चल के सो जाएं। जिस औरत का शौहर किसी दूसरी औरत के साथ हो, उसे भला नींद कैसे आ सकती है? अच्छा ठीक है, मैं भी फिर यहीं बैठी हूँ आपके साथ। अकेले इस तरह कैसे रात भर जागती रहेंगी? इस तरह मुझे भी नींद नहीं आएगी भाभी। पता नहीं भाई ने क्यों ऐसा किया है, क्यों वो सूफी के साथ चले गए हैं जबकि वो जानते हैं कि आप उनका इंतजार करती हैं। भाभी, आपने भाई को फोन किए? किया है फोन, फोन भी नहीं रिसीव कर रहे, बात हो जाती तो। फरमान मेरा फोन क्यों नहीं सुन रहा? मुझे पता था ऐसा ही होगा। है? क्या होगा, क्या हुआ, क्या बात कर रही हो, किसके बारे में कह रही है? आपको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, कोई और चीज अहमियत नहीं रखती आपके सामने। यार इस वक्त पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे बताओ, सीधी सीधी बात करो कि बात क्या है। जिंदगी में पहली बार सारा दिन गुजर गया और मेरा बेटा अपनी बर्थडे पे अपनी माँ के साथ नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको कहा था ना उसे घर से ना भेजें। उसे आज मेरी याद भी नहीं आई, वो मुझे भूल गया, मुझे मिलने क्यों नहीं आया? वो अपनी बर्थडे और अपनी माँ को भूल गया? उस जादूगरनी के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा ना। भूल गया वो कि उसकी एक माँ भी है जो उसका इंतजार कर रही होगी। यही वक्त होता है, यही वक्त होता है अपने रिश्तों की मोहब्बत देखने का। देख लो अपने बेटे की मोहब्बत। अच्छा प्लीज, सारा कुछ करके आप मुझे मेरे बेटे के खिलाफ मत फर्क लाएं। जरूर आना चाहता होगा, बस आ नहीं पाया। मैं इमन से पूछती हूँ। अलग होते ही ना उसे अपने माँ याद रहेगी, ना उसको अपनी माँ की खुशियां याद रहेंगी। उसने आज तक पहले कभी ऐसा नहीं किया कि अपनी बर्थडे पे अपनी माँ के साथ नहीं है। कहाँ लेगी वो जादूगरनी उसे? वो मुझे फोन भी नहीं कर रहा, फोन उठा भी नहीं रहा। बोल लिया आपने, अब मेरी सुने। मैं और भाभी खुद वकार भाई की वजह से इतने परेशान बैठे हैं। वकार भाई तो क्या मतलब? वकार विरसा के साथ नहीं है? मेरा बच्चा खैरियत है तो है ना, है कहाँ वो? वकार भाई अपना बर्थडे डिनर आपकी भांजी जूबी के साथ करने गए हैं। जूबी के साथ? अब मैं समझी, ये सारा मामू और भांजी का रचाया हुआ खेल है और इनको सब कुछ मालूम है, ये मुझे बता भी नहीं रहे। आप क्या बोल रही हैं मामा, किसका रचाया हुआ खेल है? रुको बेटा, इसके आगे एक और लफ्ज मत बोलना, विरसा को पता ना लगे कि मैंने क्या कहा है।
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मामा, मैं विरसा भाभी से क्या छुपाऊंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, वकार से कोई भी रابطہ हो तुमने मुझे फौरन फोन करना है, ठीक है? जी ठीक है मामा। मैं तो समझी थी कि भाई सूबी से फ्री होके मामा के पास चले गए होंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भाई की बर्थडे और वो मामा को भूल जाएं। मगर भाई आज मामा को भी भूल गए। मानी जान और विरसा ने बहुत बार फोन किए होंगे मगर फोन तो बंद है, बैटरी खत्म है। वकार को ये सब पता चलेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? अब जो भी हो, वो कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मैं तो प्यार में भी हूँ और हालत जंग में भी हूँ। आपके लिए चाय कॉफी या फिर नाश्ता लगा दूं? आपका हुलिया देख के लग रहा है कि आप पूरी रात से सोए नहीं। नहीं वो हमदान के घर ही था, उसने दोस्तों को बुला के छोटी सी पार्टी रख ली थी, पता ही नहीं चला रात कब गुजर गई। आप एक फोन या मैसेज तो कर सकते थे ना। आपको पता है मैं और एमन पूरी रात इतना परेशान थे, अम्मी जान भी आपके लिए बहुत परेशान थी। आप इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं थे वकार। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तुम्हें तो पता है वो शोर शराबे में मुझे आवाज नहीं आई। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वकार जैसे आप सच नहीं बोल रहे? मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो। तुम कहो तो मैं हमदान को फोन करके ही बुला लेता हूँ। आप थोड़ी देर सोचे, दिमाग को सुकून मिल जाएगा। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के, यादां दी मैनू यादां दी मेरा प्यार मोड़ दे।